नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे DRDO द्वारा डेवलप किए गए क्वांटम नंबर जनरेटर के बारे में, जिसको DRDO की एक यंग लैब ने डेवलप किया है। तो यहाँ पे क्वांटम नंबर जनरेटर को लेके काफी लोगों के ये सवाल थे कि क्या इसका जो कनेक्शन है वो क्वांटम रडार से है। तो अभी इसको लेके क्वांटम रडार से कोई कनेक्शन नहीं है। बेसिकली जो आपके रैंडम नंबर होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं की जनरेशन, सिक्योर कम्युनिकेशन, गेमिंग और लॉटरी जैसे एप्लीकेशन में, जहाँ पे आपको अपने नंबर में एक जो यूनिकनेस है वो चाहिए होती है, तो वहाँ पे इस तरह के जनरेटर का आप इस्तेमाल करते हो। वैसे जहाँ तक बात है रैंडम नंबर को जनरेट करने की, तो इसको आप दो तरह से कर सकते हो। पहला आपका होता है स्टूडियो रैंडम नंबर जनरेटर। तो इस तरह के जो जनरेटर होते हैं वो रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, लेकिन वो एक ओवरलैपिंग के फॉर्म में होते हैं। और वैसे नंबर का इस्तेमाल करके अगर आप कोई की बनाते हो सिक्योरिटी या फिर प्राइवेसी की अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए, तो उस तरह के की जो होते हैं वो कई बार हैकर्स के द्वारा ब्रेक कर लिए जाते हैं। मतलब वो आपको प्रॉपर जो इंक्रिप्शन है वो देने में सक्षम नहीं होते हैं जो आपके स्यूडो रैंडम नंबर जनरेटर होते हैं वो। तो आजकल बहुत जगह एप्लीकेशन में जो स्यूडो रैंडम नंबर जनरेटर हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल रैंडम नंबर जनरेटर होते हैं वो दो मेथड का इस्तेमाल करते हैं। पहला आपका हो जाता है कन्वेंशनल मेथड और दूसरा होता है आपका क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर। तो दो तरीकों से आप रैंडम नंबर को जनरेट कर सकते हो। अगर पहले मेथड पे जाओगे तो वो मेथड काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और वहाँ पे आपको बहुत सारे पैरामीटर का ध्यान रखना पड़ता है। और उसके बाद भी जो श्योरिटी है कि आपको एक ट्रू रैंडम नंबर मिल जाए सिक्योर प्राइवेसी के लिए या फिर इंक्रिप्शन के लिए, तो उसके जो चांसेस होते हैं वो पूर्णतः नहीं होते हैं। मतलब वहाँ पर जो वेरिएबल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और एक छोटी सी भी अगर आप गलती करोगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो रैंडम नहीं होगा, और उसके ऊपर अगर आप कोई की बनाते हो एनक्रिप्शन के लिए तो पॉसिबली उसको ब्रेक भी किया जा सकता हो। तो वहाँ पर जो अनसर्टेनिटी है वो बड़ी रहती है। तो इस तरह के एप्लीकेशन में जहाँ पर आपको सिक्योरिटी है वो हाई चाहिए, तो वहाँ पर इस्तेमाल करते हो आप क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर का। तो ये जो आपके क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर होते हैं ये इस्तेमाल करते हैं क्वांटम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। और ये प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई अगर पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है तो अपने एनर्जी की हेल्प से वो वेव भी फॉर्म करेगा और मूव भी करेगा एक पर्टिकुलर स्पीड से, तो आप इन दोनों को एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते हो। तो इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, और जब उसके वेव को और मूवमेंट को एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते हो और फिर उसकी हेल्प से अगर कोई नंबर बनाते हो तो जो अनप्रडिक्टिबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। इसके लिए क्या किया जाता है कि एक फोटोन को छोड़ा जाता है सेमी ट्रांसपेरेंट ग्लास पे, जिसका जो नेचर होगा वो आ रहे फोटोन्स को दो भागों में बांटना होगा। मतलब वो सेमी ट्रांसपेरेंट है तो वहाँ पे आपके फोटोन की स्पीड और वेव पे डिपेंड करेगा कि वो पर्टिकुलर ग्लास को पार करता है या नहीं। अगर वो पार कर जाता है तो वहाँ पे आपने ऑलरेडी एक जो डिटेक्टर है वो दिया होता है, जो कि उन फोटोन को पकड़ेगा जिन्होंने पार कर लिया है, और जो नहीं पार करके जाएंगे उनके लिए एक और आपने सेंसर दिया हुआ है। तो इन दोनों ही फोटोन के आ रहे डेटा को आप 01 से रिप्रेजेंट करोगे, और ये जो वेरिएशन होगा वो काफ़ी रैंडम होगा, जिसका जो प्रेडिक्शन है वो कोई भी नहीं कर सकता है। तो इस तरह के नंबर को बनाने के लिए ये जो जनरेटर है उसकी हेल्प से सैम्पलिंग की जाती है, और इस तरह के नंबर का इस्तेमाल करके अगर आप कोई एनक्रिप्शन की बनाते हो तो वो चीज़ें काफ़ी सिक्योर होंगी। यहाँ पर अगर बात करते हो तो जो गलती के चांसेस हैं वो बन सकते हैं। अगर जो प्लेसमेंट है ग्लास का वो प्रॉपर नहीं है तो वहाँ पे भी जो नंबर है रैंडम वो पॉसिबली आपको अनप्रिडिक्टेबल ना मिले। तो इस तरह के अगर आप गलती करते हो तो वहाँ पे भी जो एरर है वो हो सकती है। तो इस तरह के रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए जो एक प्रिसीजन है वो आपको काफ़ी अच्छा खासा चाहिए होता है। और इसी तरह का जो एक जनरेटर है वो आज डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। तो ये कोई क्वांटम रडार नहीं है, ये आपकी सिक्योरिटी में और प्राइवेसी में हेल्प करने जा रहा है। तो यहाँ पर टेक्निकली जो रैंडम नंबर जनरेट किया गया है DRDO के जनरेटर के द्वारा, उसके रैंडमनेस को टेस्ट किया गया है कि वाकई रैंडम है या नहीं। तो यहाँ पर जो सिस्टम है वो फंक्शनल है। अगले अपडेट में बात करोगे तो वो L&T के एक डॉक्यूमेंट के थ्रू आ रहा है, जहाँ पे जो भी आर्मी के लिए नैमिका है यानी कि नाग मिसाइल को लॉन्च करने वाला जो लॉन्चर है उस पर हम ऑलरेडी एक देख चुके हैं रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम दिया गया था, और वो रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम प्रोबेबली L&T का ही होने जा रहा है, जिसको अभी हाल फिलहाल में ही डिफेंस एक्सपो के टाइम पे डिस्प्ले किया गया था L&T के द्वारा। सो बेसिकली आपके नैमिका पे जो RCWS होंगे वो L&T का ही होने जा रहा है, जिस पे 7.62mm की गन है, PKT वो माउंट की गई है, अम्यूनेशन बॉक्स दिया गया है, वहाँ पे एक CCTV कैमरा दिया गया है, और ये जो RCWS होगा ये हर तरह के वेदर में फायर करने में सक्षम होगा। तो इस तरह के जो भी आपके रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम है उन सब पे हम बात करेंगे जिसको भारत की प्राइवेट कंपनियां ऑफर कर रही हैं। उसमें आपके महिंद्रा की ऑफरिंग है, BEL की है, L&T की है। तो इस तरह के जो RCWS के ऑफर हैं वो प्राइवेट कंपनियां ऑफर कर रही हैं, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे अपडेट यही है कि पॉसिबली जो L&T का रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम है वही आपके नैमिका पे अभी जो प्रोटो है वहाँ पे आपको माउंटेड दिखा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय।